दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इतिहास के प्रश्नों को इतिहास की प्रश्नों की श्रृंखला में आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम 2015 और 2016 की परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे साथ में उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं उन पर भी चर्चा करेंगे तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को तो वीडियो का पहला क्वेश्चन पैंसठ नंबर प्रश्न है चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया ऑप्शन है बिनोबा भाबे राजा राम मोहन राय सुंदर लाल भगुड़ा लाल बहादुर शास्त्री राइट आंसर बच्चों क्या होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए तो इसका सही आंसर बच्चों चो होगा सुंदरलाल बगुड़ा और ये चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था तो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया गया था पेड़ों को बचाने के लिए छाछठ नंबर प्रश्न था स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है पटना मथुरा काशी अमृतसर तो स्वर्ण मंदिर बच्चों अमृतसर पंजाब में है और यह सिखों से संबंधित मंदिर है इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका पूछा जा सकता है सड़सठ नंबर प्रश्न कहता है कि भारत एक खोज के लेखक कौन हैं तो भारत एक खोज अगर इसको अंग्रेज़ी में कहें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसके लेखक कौन है सरदार पटेल मौलाना आज़ाद महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू ये प्रश्न कल की वीडियो में भी आया था किसी सेट में और पुनः आपको फिर से देखने को मिला है तो प्रश्न आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो इसका बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने भारत एक खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है कक्षा आठ की किताब जो अंग्रेजी की है उसमें द गंगा लेसन दिया गया है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया से ही लिया गया है अठसठ प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है फर्टियर गांधी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कहते हैं या फिर देश बंधु सी आर दास सी आर दास का मतलब चितरंजन दास ये आपका सही सुमेलित है लौह पुरुष सरदार पटेल को कहते हैं ये भी सही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही सुमेलित हैं लेकिन पहला वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है क्यों क्योंकि फर्टियर फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है और यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है अशुद्ध है जोड़ा मिलान नहीं है तो यही आपका आंसर हो जाएगा फ़र्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर उनहत्तर प्रश्न है टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे तो ये बच्चों थे मैसूर के शासक फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे सत्तर नंबर प्रश्न कहता है कौन पत्रकारिता से संबंधित नहीं हैं अरुण आरून, अरुण सौरी सुबहषिनी अली सुवंत सिंह अजमत अली खान तो पत्रकारिता से संबंध शमन... रखने वाले ये तीन लोग हैं अरुण सौरी सुभाषनी अली और सुसवंत सिंह ये आपके पत्रकारिता से संबंध शमन... रखते हैं लेकिन अजमत अली ये नहीं है ये आपको ध्यान रखना है ये आपके भिन्न हैं ये चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न संख्या इकहत्तर है दीन ए की स्थापना किसने की थी ये प्रश्न आपका कई बार बन चुका है महमूद गजनवी, हुमायूं, अकबर या शेरशाह सूरी राइट आंसर बच्चों है अकबर दीन ए की स्थापना अकबर ने की थी बहत्तरवा प्रश्न है शिवाजी का राज्यभिषेक किस स्थान पर हुआ था रायगढ़ प्रतापगढ़ सतारा या पुणे राइट आंसर है बच्चों रायगढ़ के किले में शिवाजी का राज्यभिषेक हुआ था तिहत्तर नंबर प्रश्न अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता बच्चों कौन है ऑप्शन है आपके पास सूरदास केशवदास तुलसीदास या कालिदास तो अभिज्ञान शाकुंतलम ये चौथा नंबर आपका सही है कालिदास की रचनाएँ हैं हमने गुप्त काल जब पढ़ाया हुआ है आपका एक अच्छे अच्छे की किताब से गुप्त काल हमने पढ़ाया है उस गुप्त काल में इन सभी रचनाओं का उल्लेख दिया गया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है इतिहास की वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको सीरियल वाइज़ कक्षा छः की किताब से एक से लेकर ग्यारह तक वीडियो आपको उपलब्ध है जो चैप्टर वाइज आपके दिए गए हैं आप उसको जाकर पढ़ सकते हैं ये सभी प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे चौहत्तर नंबर प्रश्न कहता है कि मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है ऑप्शन आप है आपके पास संस्कृत प्राकृत अवधि और पाली तो राइट आंसर इसका बच्चों आपका होगा संस्कृत भाषा में जो वाल्मीकि रामायण है वो आपका संस्कृत भाषा में लिखी गई है वाल्मीकि के द्वारा और जो आपकी रामचरित मानस है वो अवधि भाषा में लिखा गया है तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है और रामचरित मानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है वो अवधि भाषा में लिखी गई है पचहत्तर नंबर प्रश्न है सक सम्मत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या होगा सम्राट अशोक चंद्रगुप्त द्वितीय कनिष्क या हर्षवर्धन राइट आंसर बच्चों इसका है कनिष्क के द्वारा सक सम्मत प्रारंभ किया गया था और कनिष्क कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक थे और इनके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन भी हुआ था तो इसको आप ध्यान रखिएगा छिहत्तरवे प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं ऑप्शन है आपके पास कालिदास वाल्मीकि वेदव्यास व्यास कौटिल्य राइट आंसर है कौटिल्य जिनका जिनको चाणक्य के, के नाम से भी जानते हो और चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे और इसके अलावा कालिदास ने कई नाटक लिखे हैं जो आपने ऊपर रघुवंशम है या फिर आपका अभिज्ञान शाकुंतलम है वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना की है वैद्य व्यास ने महाभारत की रचना की है तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और इसके बाद हम एन एम एस एग्ज़ाम दो हज़ार सोलह की परीक्षा में आए प्रश्नों को देखेंगे सतत्तर नंबर प्रश्न कहता है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे ऑप्शन है महमूद गजनवी अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक फ़िरोज तुगलक राइट आंसर है बच्चों अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन कवि थे अमीर खुसरो अठहत्तर अच्छा नंबर प्रश्न है 1526 में पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था राइट right आंसर इसका क्या होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए फर्स्ट ऑप्शन बाबर और इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी और राणा सांगा हुमायूं और शेर शाह सूरी हुमायूं और नुसरत शाह राइट आंसर है बच्चों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पंद्रह ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था और जिसमें इब्राहिम लोधी की हार होती है और बाबर की विजय होती है और वहीं पर मुगल वंश की नींव रखी जाती है उन्यासी प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी स्वामी दयानंद सरस्वती राजा राम मोहन राय स्वामी विवेकानंद केशव चंद्र सेन राइट आंसर इसका बच्चों होगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी ध्यान रखिएगा इम्पोर्टेंट है और स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी ये सारे चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी ये सारे आपको याद कर लेने हैं नोट कर लेने हैं अस्सी नंबर प्रश्न है, है केशव सॉरी प्लासी का युद्ध लड़ा गया प्लासी का युद्ध सत्रह सौ सत्तावन में लड़ा गया सत्रह में लड़ा गया 1848 में अठारह में तो प्लासी का युद्ध बच्चों सत्रह सौ ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव और सराजुद्दौला की संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ा गया था जिसमें सराजुद्दौला की हार हुई थी इक्यासी नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है इसमें देखो कौन सा आपका सुमेलित नहीं है वो आपको चुनना है पहला ऑप्शन है हर्ष चरित्र बाणभट्ट की रचना है बाणभट्ट बच्चों हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित नामक रचना की थी तो ये आपका बिल्कुल सही है और इसको हमने पढ़ाया भी है और कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था तो ये भी आपका सही है कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम भी लिखा था कल्हड़ कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी है ये भी आपका सही मिलान दिया गया है तो चौथा ऑप्शन आप ऑटोमेटिक आपका गलत हो जाता है अर्थात सही मिलान नहीं होगा तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा फोर्थ ऑप्शन चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था क्या लिखा था पृथ्वीराज रासो ध्यान रखिएगा चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था गीत गोविंद ये जयदेव की रचना है ध्यान रखिएगा गीत गोविंद जयदेव की रचना है ये आप नोट कर लीजिए तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन बयासी नंबर प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है अभी यही प्रश्न आपका दो पंद्रह की परीक्षा में हिंदी में लिखकर कर यहाँ पर पूछा गया था कि भारत एक खोज किसकी रचना है और यही आपका देखो अंग्रेजी में पूछ लिया गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है तो राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर तिरासी नंबर प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था तो ये आपको सभी को पता होगा ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है चौरासी नंबर प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक कौन है तो पंचतंत्र के लेखक हैं कालिदास विष्णु शर्मा तुलसीदास या वाण राइट आंसर वो है विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कथाएं और कहानियां लिखी हैं पचासी नंबर बुलंद दरवाज़ा स्थित है तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है दिल्ली फ़तेहपुर सीकरी लखनऊ या मेरठ राइट आंसर है फ़तेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है छियासी नंबर चरक प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे तो चरक जो थे वो किसके दरबारी कवि थे दरबारी चिकित्सक थे ये चिकित्सक थे कभी नहीं थे और ऑप्शन है हर्ष के चंद्रगुप्त मौर्य के अशोक के या फिर कनिष्क के तो राइट आंसर बच्चों है इसका सही जवाब चौथा ऑप्शन कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे तो छियासी नंबर का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक हैं अरविंद घोष बाल गंगाधर तिलक महात्मा गांधी विनोबा भावे राइट right आंसर है महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य और अहिंसा की बात की सत्य का मतलब होता है ट्रूथ तो ट्रुथ को आप रिलेट करके याद कर सकते हो ट्रूथ मीन्स सत्य होता है और सत्य और अहिंसा की बात करने वाले महात्मा गांधी ने लिखा था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ तो ये थर्ड ऑप्शन आप बिल्कुल आपका सही जवाब है अट्ठासी नंबर प्रश्न है श्री अरविंदो आश्रम स्थित है तो श्री अरविंदो आश्रम कहाँ है तमिलनाडु कर्नाटक रामेश्वरम या पुणुचेरी राइट right आंसर है चौथा ऑप्शन पुडुचेरी में स्थित है और पुडुचेरी किस राज्य में पड़ता है आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है नवासी नवा प्रश्न कहता है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था तो ये थे पल्लव शासक फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है पल्लव शासकों ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था तो ये रहे आपके 2015 और 2016 की परीक्षा में आए हुए प्रश्न इसके बाद 2017 के आए हुए प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे इस वीडियो में बरतना ही आप सभी लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद